आज हम लोग जा रहे हैं इको पार्क। आज संडे है, अभी दिन का 2 बज रहा है, थोड़ा लेट, हाँ आधा घंटा एक घंटा लेट हो गया है। 1 बजे निकलने का प्लान था और अचानक प्लान बना है, निकलते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, दूर है थोड़ा हमारे घर से, 30-35 किलोमीटर है। चलिए मजा आएगा, पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं। और ये नया बैग आया है कार के डिक्की में रखने के लिए, इसमें सारे एक्सेसरीज डल जाएंगे। इस पर वैसे एक डिटेल वीडियो आएगा अल्फा वेजिटेरियन पे, पूरे गाड़ी के एक्सेसरी को लेके। हालांकि उसकी बहुत जरूरत नहीं थी, पर उसके सब्स्टिट्यूट में ये था तो बहुत जरूरत पड़ गई उसकी। चल गया हूँ मैं इतना सारा सामान लेके। ये इसके नीचे वेलक्रो लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये गिरेगा नहीं जब गाड़ी चलेगी तब। पहुंच गए हैं। कितना देर, कितनी देर लगा है? 45 मिनट्स। आज संडे है ना, इसलिए ये हमने खाने पीने के लिए ये सब ले लिया है। यहाँ पर टिकट काउंटर है, पापा गए हैं टिकट लेने के लिए। ये है दोस्तों एंट्री गेट, और ये है पूरा वॉकवे, और इधर पूरा नेविगेशन मैप वगैरह दिया हुआ है पूरे पार्क का। और गाड़ी में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, पता नहीं, वो जो मैंने मंगाया है मोबाइल होल्डर वो ठीक से अटैच ही नहीं हो रहा था गाड़ी में। ये है दोस्तों पूरा एम्बियंस यहाँ का, संडे है तो भीड़ भी है। पिछले साल आए थे क्रिसमस पे, उसका भी ब्लॉग मैंने बनाया था जो कि आया नहीं है चैनल पे, लेकिन तब उतना लोग घूर नहीं रहे थे या समझ नहीं रहे थे, पता नहीं। हाँ ये भी है कि उस समय इतने सारे एक्सेसरीज नहीं थे, जैसे अभी गोरिल्ला पॉड है, एक्सटर्नल वाइड एंगल लेंस लगा हुआ है, तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है। पहले मैं पुराने वाले फ़ोन से या फ्रंट कैमरा से करता था, तो उतना फिर भी समझ में नहीं आता है वो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे, मतलब गूगल कर रहे थे कि ये हिस्ट्री क्या रहा है और कैसे ये इको पार्क बना। तो हमें पता चला विकिपीडिया पे कि इट इज़ द बिगेस्ट पार्क इन इंडिया सो फार, और 480 एकर्स में इस पूरे पार्क का प्लॉट है, और वाटर बॉडी से ये सराउंडेड है, 104 एकर्स का वाटर बॉडी भी है, और उस वाटर बॉडी के बीच में एक आइलैंड है। और ये जो पूरा पार्क है ये कंसेप्चुलाइज किया था CM ममता बनर्जी ने जुलाई 2011 में, और इस पार्क का कंस्ट्रक्शन किया है हिडको और अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ ने। तो हिडको जो है उसका फुल फॉर्म है हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। और दोस्तों जो कि मैंने आपको पार्किंग लॉट दिखाया शुरुआत में, वैसे 2 पार्किंग लॉट्स हैं जो कि टोटल 350 व्हीकल्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा पार्किंग स्पेस भी है। उसके अलावा दोस्तों 7 वंडर्स की कॉपीज़ भी इसमें क्रिएट की गई है ताकि व्यूअर्स एक्सपीरियंस कर पाएँ। और जो पार्क है ये इको पार्क, ये इनॉग्रेट हुआ था 29 दिसंबर 2012 को। लोकेशन जो है दोस्तों ये है न्यू टाउन एरिया कलकत्ता में, 10 किलोमीटर फ्रॉम द कोलकाता एयरपोर्ट। मे आई हेल्प यू, यहाँ पे ये हेल्पिंग डेस्क है, कोई आपको दिक्कत समस्या हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये है दोस्तों मदर्स वैक्स म्यूजियम, ये इको पार्क के बाहर है। ये है फाउंटेन, यहाँ हम लोग फाउंटेन के पास बैठे हैं, ये फाउंटेन है बगल में, ये पहली बार दिखा मुझे, पहली बार दिखा है। यहाँ सामने से टॉय ट्रेन जा रही है, ये भी एंट्रेंस है, जो टैक्सी वगैरह से आए हैं वो यहाँ ड्रॉप करके सीधे यहीं से घुस सकते हैं। साइकिल काउंटर था पीछे, और ये बोट काउंटर है, बोट नहीं एक्चुअली, ये बड़ी सी, क्या बोलूँ इसको, शिप भी नहीं बोल सकता, बोट भी नहीं है, छोटी सी, इसमें चढ़ा जा सकता है, और ये पूरा इको पार्क का दर्शन करा देता है एक बार में। बसंत ऋतु है ना, बसंत ऋतु में सारे फूल खिलते हैं, बसंत ऋतु इसीलिए तो मतलब बसंत ऋतु का कवियों ने इतना ये किया है कि सारे फूल खिल जाते हैं बसंत ऋतु में। पापा गुम हो गए थे, अभी मिले हैं। हाँ तो भीड़ लग रही है, ये रेस्टोरेंट है। हाँ दादा रोल। बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज बोल रहे हैं। कैसे चाची के एनिवर्सरी तक पतले होंगे हम लोग, जंक फूड वो भी बेकार। तो चाउमीन हमने अभी खाया ना, वो खाने के बाद बोलने का मन कर रहा है तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, जो भी डायलॉग है
लगता है। हम लोग जिस दुकान में जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में, उसी में जाना चाहिए, उसका अच्छा होता है सैंडविच वगैरह। इसके पास सैंडविच था ही नहीं, पैटीज था, मन नहीं कर रहा था खाने का। एक गुलाब का पार्क है। नींबू वाली चाय इसलिए ली क्योंकि ये चाय हम बनारस में बहुत पीते थे। बनारस हम लोग आए थे 2019 न्यू ईयर पे, 20 न्यू ईयर पे, लेकिन उस समय व्लॉग नहीं करता था मैं, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो ट्रिप बहुत अच्छा था। अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे, वो थीम ही है वहाँ का विलेज, गाँव की सारी चीजें हैं। ये एंट्रेंस है, टिकट लेना पड़ेगा। ये है दोस्तों, रात है ये, एक बार के लिए लगा वहाँ कोई बैठा हुआ है। सही में गांव के बारे में तुम बोलो, तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस है गांव का। तुम बड़ा सारी हो। बंगाली में लिखा है पापड़ी। अंधेरा हो रहा था थोड़ा, क्योंकि कितना बज रहा है, 5 बज रहा होगा, 5:45 और 5:40। एक बार को लगेगा असली ही कोई खड़ा है। अच्छा, ऐसा स्लोप क्यों रहता है? पानी ना, अच्छा ये खजूर है जो नॉलेन गुड़ और पटाली गुड़ बनता है, यही खजूर है। ये इसको छील के और इस मटका को लगा देते हैं, और इस पेड़ से रात भर रस चूता है। सूर्योदय के बाद इसको ये लोग निकाल लेते हैं, निकाल के इसको पकाते हैं, पका के इसको गुड़ बनाते हैं, जिससे ठंडी में पटाली और नॉलेन गुड़ बनता है। पटाली गुड़ तो फिर भी लोग रख के किसी तरह से चला लेते हैं एक साल, लेकिन नॉलेन गुड़ सिर्फ ठंडी भर में ही मिलती है, वो लिक्विड में रहता है ना। यही खजूर, खजूर का पेड़, इसी से रस निकलता है। इसमें रस अपने गिरता रहता है, रस छील के, हाँ, जैसे ताड़ में रस निकलता है, जब ताड़ी बनता है, हाँ। वैसे ही खजूर का गुड़ बनता है। छोटा सा मार्केट प्लेस, ये गांव का इसी तरह मार्केट दिखता है। ये असली लोग नहीं है, मिट्टी का है, ऐसे ही गांव में दुकान और मछली है, तो बंगाल में मछली ना हो। इधर रेस्टोरेंट है, हम लोग लग रहा था ये लोग भी नकली लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग असली हैं। ये क्या है? ये लौकी, ये लौकी है उधर, ये सरसों, ये गोभी है। बंगाल की लड़कियां क्लास 7 के बाद से साड़ी पहन के स्कूल जाती हैं, हेंस द यूनिफॉर्म। क्लास 7 तक फ्रॉक रहता है, क्लास 7 के बाद साड़ी। वो है, इसको खोप बोलते हैं। किसको? ये वो ऊपर, हाँ, ऊपर से खुलता है और हाँ। नीचे से भी खोलने का बना रहता है, हाँ। इसमें धान गेहूँ गाँव अच्छा। में इसी में मतलब स्टोर करते हैं। ये बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी रादर। लेट्स मूव आउट। इंडियन फ्लैग दिख रहा है इस पर। मूविंग आउट। टॉय ट्रेन में नहीं चढ़े हम लोग क्योंकि ठंडी लगेगी टॉय ट्रेन में चढ़ने से। अभी जा रहे हो गाड़ी की तरफ, और डिनर भी बाहर करके ही चलेंगे फिलहाल, प्लान तो ऐसा ही है, देखते हैं। कॉटन कैंडी या फिर रुई मिठाई बोल सकते हैं इसको, बचपन में बहुत खाते थे, छोटा छोटा आता था बचपन में, 20 रुपये में। गड्डी कहाँ है? ये है दोस्तों पूरा पार्किंग स्पेस इको पार्क का। मुंह में डालते ख़त्म हो जाता है पूरा, सिर्फ चीनी है। फिटनेस फ्रीक के लिए नहीं है, मैं हूँ लेकिन आज नहीं। गाड़ी यहाँ खड़ी है, मैंने एक्चुअली वाइड एंगल लेंस ऑन किया इसीलिए, और जो चीज़ जितनी दूर है नहीं उतनी दूर दिख रही है। चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से।
अभी हम आए हैं पालकी रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत पहले आते थे हम लोग, लास्ट टाइम आए थे जब गाड़ी लिए थे उस वक्त, और अभी पार्किंग का इशू हो रहा है। तंदूरी रोटी और चिकन। खाना ठीक ही था, मतलब कितना 10 में 8 वाला, पहले अच्छा लगता था, या मे बी आज हमारा मेनू अलग था इसलिए भी उतना अच्छा ना लगा हो, बट इट वॉज ओके टाइप। तो दोस्तों कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन। अभी हम घर पे वापस आ चुके हैं और मम्मी पापा ऊपर गए, मैं थोड़ा जा रहा हूँ अपने एक दवा लेने के लिए, और रास्ते में मेरा मन किया मैं आपसे थोड़ी बात करूँ। मम्मी को पालकी का खाना कुछ खास लगा नहीं, मुझे भी एवरेज ही लगा, पापा को अच्छा लगा। पालकी का जो गार्ड था, मतलब बाहर जो वॉचमैन था, वो थोड़ा एजिटेटेड था, मुझे उसने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर देता, उसके उसका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। और ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है, खास करके ऑन ड्यूटी अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो दिस इज़ अ वेरी बैड साइन। इससे आपका कस्टमर, मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट हो सकता है, क्योंकि बाकी पालकी के अंदर तो सब कुछ अच्छा ही था, पर मैं जब भी गाड़ी थोड़ा एडजस्ट कर रहा था, अरे करिए ना, आपको बोल तो रहे हैं, आप कितनी बार बोलें, इस टाइप से उसका बिहेवियर था। तो डायरेक्टली उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बट स्टिल इस बिहेवियर वॉज नॉट प्लेजेंट, सो उसकी वजह से एक्सपीरियंस थोड़ा सा हैम्पर हुआ मेरा। दवाई ले ली मैंने, सो दैट्स इट गाइस। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट में लिख के बताइए कौन सा पार्ट आपका सबसे फेवरेट था, सबसे अच्छा लगा आपको। अच्छा दोस्तों, साथ ही साथ आप ट्रैवल ब्लॉग में अगर वैशाली का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो फिर आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं दुर्गा पूजा सीरीज। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।